पहाड़ों पर रहकर मुझे सुबह जल्दी उठने की इतनी गंदी लत लग चुकी है कि अगर मुर्गे को मुझसे पहले उठना हो तो उसे अलार्म लगाना पड़ेगा। क्या हो रहा है? आज सवेरे ताजी हवा में सांस और ज्ञान लेकर मैं ताऊजी द्वारा दिए गए इस एक कटोरी दही और एक गिलास दूध को निपटा देता हूँ। अभी अभी तो लगता है पुनिच पहलवान है। इतना क्या चाट रहा है, क्लास मॉनिटर बनेगा? ये सब करके मैं निकल जाता हूँ अपने घर की तरफ, क्योंकि आज मुझे दद्दू जी को अस्पताल ले जाना है। दरअसल कल रात अचानक दद्दू जी की नाक से बहुत ज्यादा खून बहने लगा। गाँव की हालत तो आपको पता ही है कि डॉक्टर मार्केट में मिलेगा और मार्केट जाने के लिए गाड़ी नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने गाड़ी बुक करी है और हम सुबह सुबह रोड की तरफ निकलते हैं। परंतु कुछ ही दूर चले होते हैं कि दद्दू जी की सांस चढ़ जाती है, तो फिर मैंने उन्हें वापस घर भेज दिया और मार्केट से डॉक्टर को घर पर ही ले आया। और घबराने की कोई बात नहीं है, दद्दू जी इज फिट एंड फाइन। अब शाम होते ही मैं अपनी वीडियो एडिटिंग करने के लिए बैठा ही था कि मुझे कुत्ते और बिल्ली की आवाजें आने लगी। खिड़की से झांका तो देखा कि घमासान युद्ध चल रहा था, इनकी रगों में बिग बॉस का खून दौड़ रहा है। और रात को मैं ताईजी ताऊजी के हाथ का बना हुआ खाना खाता हूँ। कहते हैं कि बुजुर्गों के हाथों का खाना खाने से स्वाद और आशीर्वाद दोनों की प्राप्ति होती है।